एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉम गैलरी। और ये है राजपूती वेडिंग का पार्ट टू। और यहाँ पे सब मॉर्निंग में सुबह सुबह में नाश्ता चाय और वो सब पी रहे हैं। यहाँ पे जैनम और वो सब खेल रहे हैं। यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, बाहर खेल रहे हैं सब बच्चे। और अभी हम जो है सब तैयार हो रहे हैं। और बार बार जो है मैं आपको सबका आउटफिट दिखाऊंगी, मतलब किसने क्या पहना है। तो ये भाभी है जो उन्होंने जो है कुटपट्टी वाली साड़ी जो है वो पहनी है। और यहाँ पे जो है मेरा भी जो है ये, मैं भी रेडी हो गई हूँ। सिंपल सी जो है पिंक कलर की लेस पट्टी है और पूरा ग्रीन कलर की जो है साड़ी है ये मेरी। पे हम जितने रेडी हो गए थे उतने जो है वहाँ पे शादी के घर पे जो है वहाँ पे जा रहे हैं सब। यहाँ पे जो है मेरी मामी, मम्मी और दीदी है, दो मामियाँ हैं साथ में, और व्योम और जैनम है। भाभी और वो सब शायद आगे चले गए हैं क्योंकि उनको जो है कुछ रिवाज जो रहते हैं उनके अनुसार कुछ विधियाँ जो है उनको करनी पड़ती है, और तो उनको जो है जाना पड़ता है पहले। और हम लेट चाहे तो चलेगा। तो घर से थोड़ा दूर है शादी का घर, और ये हम आ गए हैं जहाँ पे शादी है वहाँ पे। ये देखो तो अभी यहाँ पे गणपति की स्थापना हो रही है, गणपति पूजन हो रहा है। और यहाँ पे सब लेडीज़ ही बैठती है घर के अंदर, और घर के बाहर सारे जेंट्स। तो घर में सिर्फ एक ही विधि होती है राजपूत समाज के अंदर, सिर्फ गणपति की स्थापना जो गणेश पूजा बोलते हैं वही होता है। बाकी सब विधियाँ जो है गृह शांति और वो सब बाहर होता है। तो ये है ब्राइड जिसकी शादी है, ये यहाँ पे बैठी है। अभी उसको बुलाया जाएगा पूजा करने के लिए, तभी वो जाएगी अंदर। और ये इसने जो है पिंक और क्रीम कलर का जो है पूरा राजपूती पोशाक हैवी में पहना है, और पूरी जो है राजपूती जो है कटलरी ज्वेलरी जो है वो पहनी है। और साथ में हाथ में उसने रखी है सूड़ी बोलते हैं हम गुजराती में। शादी के दिन जो है हर ब्राइड को ये लेनी ही पड़ती है ताकि उससे जो है नज़र ना लगे, उस तरह का कोई मतलब वो रीज़न है। और हम जो है बच्चे को लेके बाहर हम बैठ गए हैं क्योंकि बहुत मस्ती करते थे और अंदर वैसे भी जगह नहीं थी। और ये है मंडप जो है वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन वो सब किया था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था सब, फोन में बहुत अच्छा दिख रहा है। और अभी जो है ब्राइड को लेके जा रहे हैं जो उनको बाहर गेट तक लेके जाएंगे, और वहाँ पे जो है विधि जो वो करनी पड़ेगी तो वो वहाँ पे उनको सब लेके जाएंगे। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं सब लेडीज़, जितने भी जो है फैमिली मेम्बर्स जो रहते हैं वो सब जाते हैं, साथ में जाना पड़ता है उनके।
यहाँ पे जो है जितने भी जमाई और जो लड़कियाँ रहती हैं फैमिली की, उनको जो है बुला के तिलक दिया जाता है, उनको उनका स्वागत किया जाता है। तो ये मेरे पापा है, फिर मौसा है और मौसी और वो सब है, साथ में मैं भी खड़ी हूँ। और इस तरह से जो है स्वागत करते हैं, और थाली में आपको जो रखना है पैसा वो आपको रखना है। तो ये एक रिवाज है हम लोगों का। दोपहर का टाइम हो गया है, यहाँ पे ग्रह शांति होने वाली है और काफ़ी अच्छा मंडप जो है सजाया है, एकदम जो है सिटी टाइप का, जैसे जो है शहर में बनाते हैं उसी तरह का जो है मंडप बनवाया था। और काफ़ी अच्छी पब्लिक भी का आई हुई है, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे एक तरफ लेडीज़ बैठती है और दूसरी तरफ जेंट्स बैठते हैं, और सबको नीचे ही बैठना है। यहाँ पे चेयर और वो सब कुछ नहीं मिलेगा, तो उसी हिसाब से सब अपनी जगह अपनी जगह ढूंढ के बैठ जाते हैं सब साथ में, कोई फैमिली मेम्बर्स और वो सब फ्रेंड्स, और वो सब अपने हिसाब से बैठते हैं। और यहाँ पे जो है अभी जो है चॉकलेट जो रहती है वो उछालेंगे ये दोनों बहनें साथ में। यहाँ पे ग्रह शांति करने जो बैठता है उनकी बहन जो लगती है वो ही यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, फिर तो अपने हिसाब से अपनी मन की इच्छा। तो बच्चों को यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखो तो लगती भी बहुत है, ये ज़ोर से फेंकते हैं ना तो माथे में और वो सब लग जाते हैं चॉकलेट। तो ये देखो कितनी ज़ोर से डाल रहे हैं। ये मौसी है और वो जो है लड़की गीता है उसका नाम, तो गीता है। तो ये दोनों जो है चॉकलेट जो है वो उछल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मामा के पक्ष के लोग जो रहते हैं वो सब आ गए हैं। हमारे राजपूत में यहाँ पे बोलते हैं मौसाड़ू, ऐसा बोलते हैं। तो वो जो है सब मामा मामी मौसी मौसा वो सब यहाँ पे आते हैं, और जो जो देना है वो देते हैं। जैसे कि ब्राइड के कपड़े जो रहते हैं वो मामा ही लाते हैं, तो वो कपड़े चंपल फिर मेकअप का सामान, जैसे फिर मामा की शक्ति जैसे रहती है वैसे सब करते हैं। तो ये है ब्राइड, तो ब्राइड को भी वहाँ पे लेके जाना पड़ता है और वहाँ से मामा लेके आते हैं लड़की को। तो कुछ इस तरह का रिवाज है। ये देखो कितना अच्छा फ्रॉक पहना था, फ्रॉक है या शायद चनिया चोली इस तरह का था। तो बहुत अच्छा अच्छा जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था, और बहुत रो रही थी लड़की और वो मामी भी बहुत रो रहे थे। तो कुछ नहीं पी और अभी जो है हम आ गए हैं घर पे, सब वो फंक्शन पूरा करके 4-5 बजे हम आ गए थे घर पे, और खाने की अभी देर थी तो हमें लगी थी भूख। तो यहाँ पे जो है मैगी हम वहाँ से लेके आए थे रास्ते में से, दुकान है तो मैगी जो है अभी हम बनाएंगे। अभी हम आ गए हैं घर पे, भूख लगी है तो बना रहे हैं मैगी। नाश्ता टाइम। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? भाजी। ओके, ये किसकी भाजी है? ये सवा की भाजी है। ये माँ और बेटी और ये सास है और ये उनकी बहुए है और इनकी बहुए अंदर है यहाँ पे। कस्तूरा चले, ट्रैक्टर चले, ट्रैक्टर ये वंशु है। वंशु हाय।
हाय बोल हाय। तो यहाँ पे जो है मैं बहुत सारे कपड़े लेके नहीं आई थी, तो भाभी की साड़ी जो है वो पहन ली थी। तो मैगी बन रही है अभी। यहाँ पे जो है मेरी बाली जो है मेरी नानी जो है वो खाना नहीं खाती है अभी शादी का, और इसलिए जो है भाभी घर पे जो है उनके लिए रोटी और सब्जी बना रही थी। और यहाँ पे जो है मस्ती टाइम हो रहा है, सब बैठ के मजाक मस्ती कर रहे हैं साथ में। ये मैं सब मेरे मामी है, मेरी मम्मी और दीदी भैया और मेरी नानी थी। और यहाँ पे रात का टाइम हो गया है, 8-9 बज गए हैं। हम खाना खा के आ गए थे घर पे। खाना खाने के बाद जो है फिर से हम जाएंगे शादी के घर, जो है शादी का घर वहाँ पे। यहाँ पे सबके लिए जो है बिस्तर हमने लगा दिए थे और तैयार होके जो है सब जा रहे हैं। ये देखो अभी वहाँ पे जाएंगे हम, और काफ़ी जो है टाइम रहता है वहाँ से दूल्हा आएगा, और काफ़ी टाइम था, 12 बजे दूल्हा आया था। तो यहाँ पे दूल्हा आ गया है 12 बजे के आसपास होंगे शायद। और ये देखो कितने अच्छे से स्वागत हो रहा है, पैसे उड़ा के स्वागत हो रहा है दूल्हे का। और जो जान जो रहती है वो आ गई है, तो देखो कैसे पब्लिक जो है दूल्हे को देख रही है साथ में। यहाँ पे दुल्हन को भी लाया गया है, पूरा राजपूती पोशाक पहना है, पूरी राजपूती ज्वेलरी पहनी है। ये जो है लेफ्ट साइड में वो उसका भैया है, वेलवेट कलर का जो है सूट पहना है, और क्रीम कलर का साफा जो लगाया है वो उसका भैया है। और मामा सब लेके आ रहे हैं साथ में, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत सुंदर दिख रही थी हिमांशी, बहुत बढ़िया लग रही थी। तो यहाँ पे दुल्हन आ रही है, वो दुल्हन नहीं देख पाता है, और एक कपड़ा जो रहता है अंतर पर बोला जाता है वो डाल देते हैं, और दुल्हन जब सामने बैठेगी तभी जो है दूल्हा उसको देख पाएगा। तो ये एक रिवाज है। और अभी जो है जयमाला की टाइम हो गया है, और जयमाला का टाइम हो रहा है, तो अभी वो बहुत रो रही थी, तो उसको संभालने के लिए जो है लड़की बैठी है वो मना कर रही थी कि मत रो मत रो। और ये देखो अभी जयमाला का टाइम हो रहा है।
तो बस यहीं तक हम बैठे थे थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि बच्चे सारे सो गए थे और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। 1 या 2 बज गए थे शायद। और अभी हम जा रहे हैं घर पे, और घर पे जो है नेक्स्ट डे का जो है वीडियो जो है मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे जो है भाभी सब बेचने के लिए लाई है, वो अभी दिखा रही हूँ सब चूड़ी, और वो सब मेरे मामी और वो सब देख रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो बैंगल्स है तो वो मैं उनको मंगा रही थी कि ये ऐसा मेरे लिए लेके आना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है कलेक्शन है उनके पास, बहुत बढ़िया बढ़िया ये देखो। तो अभी हम जो है दूसरी बार जो खाना और वो सब खाने के बाद जो है हम वापस जो है जाएंगे पावापुर, और वो सब शादी अभी भी बहुत सारी अटेंशन बाकी है तो वहाँ पे चले जाएंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं शादी के ऊपर ही, तो आप लोग जरूर देखना। और यहाँ पे जो है एक चूड़ी वाला आया था, तो वहाँ से चूड़ी थोड़ी 1-2 कांच की चूड़ी हमने ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।